हम लोग हमेशा इसको सुषमा जी के लिए रखते थे पहले। मैं इस सभागृह से बहुत परिचित हूँ, कारण क्या है, मैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स के मिनिस्टर के नाते बहुत कुछ काम किया और कार्यक्रमों का निर्माण किया है। श्री देश दीपक वर्मा जी, सचिव राज्यसभा सचिवालय, श्री रामाचार्य जी, श्री मुकुल पांडे जी, श्री भरद्वाज जी और श्रीमती मरणी अवस्थी जी और भाई और बहनों, मैं सचमुच में बहुत प्रसन्न हूँ मन में। कारण क्या है, ये आज का शाम का इतना सुंदर, इतना बढ़िया कार्यक्रम, सब परिवार जो मेरे साथ काम कर रहे, एक साथ आना और सब लोग मिलकर मनोरंजन कार्यक्रम देखना, ये सच में मुझे बहुत आनंददायक है। जब से राजनीति में आए तब से थोड़ा मनोरंजन कम हो गया, कारण क्या है, हाँ दूसरा रंजन होता है पॉलिटिक्स में, तो भाई अभी राजनीति छोड़ दिया मैंने, राजनीति से मुक्त हो गया और ये जो दायित्व तो मुझे दिया है वो दायित्व तो संभालने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। मेरा राज्यसभा का चेयरमैन बनने के बाद आप लोगों ने, अधिकारियों ने, श्री भरद्वाज जी ने और अन्य अधिकारियों ने आपस में चर्चा करके जैसा स्वागत आपने यहाँ ऑर्गेनाइज किया, मैं आप सब लोगों को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और वो स्वागत भी मन से, और सब लोग परिवार के साथ, बच्चों सहित सब लोग आके इस कार्यक्रम में भाग लेना और साथ ही साथ एक अच्छा मनोरंजन कार्यक्रम का निर्वहन करना बहुत प्रशंसनीय है। मैं इसलिए मैंने कहा, मैं सचमुच में बहुत प्रसन्न हूँ। एज अ चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, द फर्स्ट टाइम आई एम मीटिंग यू ऑल हियर, यू आर ऑल लाइक माय फैमिली, वी आर ऑल पार्ट ऑफ द फैमिली। एज अ हेड ऑफ द फैमिली, इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ ऑल ऑफ यू एंड इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ मी and both of our responsibility to take care of the Rajya Sabha in a befitting manner. We are called as an upper house, elders house. People expect a better performance in the upper house, and it has its own importance. Rajya Sabha, its own relevance, it has its own beauty. If you do your duty better, then you can really become more beautiful that way. So one has to be first dutiful to become beautiful. And then if duty and beauty combine together, then you'll become mightyful also. So this is, so all of us, right from the chowkidar to peon to ordinary person to the security personnel to the secretary general to chairman, if all of us put our heart and soul together and work hard, we can definitely enhance the image of this upper house. And we have seen that that's very much forthcoming. And I remember December 13th, when that unfortunate incident took place and there was an attack in Parliament. It is our Rajya Sabha security people, ordinary people, who came to the rescue of this parliamentary democracy and system. On this occasion, I would like to salute the memory of those great people, great souls, who fought and who have sacrificed their life to protect our lives and to safeguard democracy in the country. Friends, my compliments to Rajya Sabha Secretariat Employees Recreation Club. Club ko Hindi mein kya kehte hai mujhe maloom nahi, Manoranjan Mandali. ऐसा कुछ कह सकते हैं, ये मैंने बचपन में हिंदी पढ़ा नहीं,
वो भी एक प्रॉब्लम है, मगर इतना हिंदी इतना सुंदर भाषा है. जब मैं दिल्ली आया 1993 में, तब मुझे समझ में आया हिंदी के बिना हिंदुस्तान में आगे बढ़ना संभव नहीं. मगर तब तक देर हो चुका है, अदरवाइज आई वुड हैव लर्नड मच मोर बेहतर हिंदी एंड वुड हैव बीन इन ए पोजिशन टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी वर्ड एंड सेंटेंस. बट टुडे कार्यक्रम, आज का जो कार्यक्रम है उसको पूरा मैंने समझ लिया. कारण क्या है, ये कार्यक्रम में जो मनोरंजन कार्यक्रम श्रीमती मालती जी ने हमारा सामने प्रस्तुत किया, संगीत के लिए कोई भाषा का समस्या नहीं है, तो भाषा से बाहर है, भावना से जुड़े है, अद्भुत है, मधुर है. और जिस तरह उन्होंने श्री राम जी के बारे में बोला, हमारे सबको सम्मोहित किया, सचमुच में बहुत अभिनंदनीय है उनका कला कौशल. भारत में शुरू से ही, आदिकाल से, वेद काल से, पुराण काल से, जो पूर्वजों ने जिया और दिया, विरासत में मिला भारतीय संस्कृति, हमेशा उसको हम लोग कायम रखना चाहिए, उसका संरक्षण करना चाहिए. हमारा बच्चों को भी हमारा संस्कृति, हमारा भाषा, हमारा वेश, हमारा पद्धति, हमारा परंपरा, उसके बारे में हमारा बच्चों को भी हमेशा शिक्षित करना चाहिए, उनको प्रोत्साहन करना चाहिए. कारण क्या है, भाषा के साथ भावना बेहतर तरीक़े से आप लोगों को समझा सकते हैं. इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ मातृभाषा, हर एक व्यक्ति अपना मातृभाषा सीखना चाहिए. आजकल थोड़ा फैशन हो गया सब लोगों को, सब इंग्लिश वालों के पीछे पड़े, वो जाते जाते छोड़ के गया हमारा माइंड. दे हैव नॉट ओनली रूल्ड अस, दे हैव रूइंड अस, दे हैव नॉट ओनली लूटेड अस, चीटेड अस ऑल्सो, मेंटली ऑल्सो. So it is better we come out that of mindset at the earliest. Nothing wrong in learning English. English is also a good language. But we must first learn our mother tongue. The language which has come from your mother's womb. Jo Telugu hai, Tamil hai, Kannada hai, Malayali hai, Marathi hai, Bhojpuri hai, Hindi bhi hai, Assami hai, Punjabi hai. Itana sundar bhasha. Har ek bhasha mein ek adbhut bhavana vyakt karne ka tarika hai. Unhone बहुत कम समय में विविध क्षेत्रों से, जो ग्रामीण इलाके में, जनपद में, जनपद जो जनता का, उसके बारे में उन्होंने जैसा अवगत कराया, सचमुच में अद्भुत है. इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ सब लोगों को, पहले अपना बच्चों को घर पे मातृभाषा में आपस में बोलना, ये एक प्रैक्टिस कराना चाहिए. फैशन हो गया लोग, माँ माँ कहने से अंतराल से आता है, मम्मी कहने से यहाँ से आते. अब एक बार घर जाके रात को प्रैक्टिस करें, माँ अम्मा, उर्दू में अम्मी अम्मी, वो उसमें और उसमें कितना फर्क है देखिए. तो अपना भावना व्यक्त करने में अपना मातृभाषा वो बहुत महत्वपूर्ण है. इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, इन माई ओन स्टेट आई ऑलवेज सेड, कन्ना तल्ली मदर हु हैज गिवन यू बर्थ, जन्मभूमि द प्लेस व्हिच हैज गिवन यू द बर्थ, एंड मातृभाषा द लैंग्वेज व्हिच हैज कम फ्रॉम द मदर्स होम, एंड मातृदेशम द कंट्री टू व्हिच यू बिलोंग्स टू. सो कन्ना तल्ली मदर, देन जन्मभूमि, देन मातृभाषा, देन मातृदेश. इसको कभी भूलना नहीं चाहिए. ये कोई भूलेगा तो वो मानव नहीं है. If you forget that, then you are not a human being. ये इसका वर्द ये नहीं है केवल मातृभाषा को ही प्रोत्साहन करना, अन्य भारतीय भाषाओं को नहीं सीखना, अन्य दुनिया का भाषाओं को नहीं सीखना, ऐसा नहीं है. वो भी सीखना चाहिए, जरूरी है. पहले हमारा भाषा सीखे, हमारा भाषा प्रैक्टिस करें और गर्व महसूस करें हमारा भाषा बोलने में. कारण कहे भारत बहुत बड़ा है, इतना 130 करोड़ आबादी, अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग भाषा, अलग भाषा, अलग वेश, फिर भी अपना एक देश. विविधता में एकता भारत का विशेषता. वी शुड नॉट बिकम पेरोकियल, वी शुड नॉट बिकम पेरोकियल. ये देश के लिए अच्छा नहीं है. वी शुड बी प्राउड ऑफ आवर लैंग्वेज, बट सेम टाइम वी शुड बी प्राउड ऑफ आवर कंट्री. ऑल पीपल इररेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, सेक्स, रिलीजन एंड रीजन, इंडिया इज वन. One nation, one people, one country. That should be the attitude of all people.
This is what I want to tell you. So I would like to thank the Rajya Sabha Manoranjan Mandali for मुझे जो उन्होंने जो अच्छा मौका दिया मैंने कभी सुना नहीं आज माननीय जी का जो कार्यक्रम उन्होंने जो आज हमारा सबके सामने प्रस्तुत किया और गीत और नृत्य संगीत इसका मिलन इतना बढ़िया होता है सुंदर होता है खूबसूरत होता है उन्होंने हमारा सामने दिखाया और साथ ही साथ राम जी के बारे में राम जी का वापस आते समय अवधवासी कैसा उसका आनंद महसूस किया उसके बारे में उन्होंने राम जी भगवान श्री रामचंद्र कोई साधारण देव का देवता के देव के रूप में नहीं देखना चाहिए देवती देवी देवताओं का कोई कमी नहीं है इस भारत में कितना करोड़ों देवी देवता है फिर राम जी की विशेषता है राम जी इज एन आइडियल रूलर आदर्श राजा देन राम जी is an ideal son, is an ideal son, then is an ideal husband. Satyavak Pariparana, he always used to stand by truth. Pitruvakya Pariparana, he always used to go by his father's word. And then Ekapatni Vrata, he confined himself to his wife. And then Adarsha, Raja. So, महात्मा गांधी जी ने इसलिए कहा राम राज्य होना चाहिए राम राज्य माने कोई मजहब का राज्य नहीं है राम जी भारतीय संस्कृति का एक प्रतीक है इज एन कल्चरल आइडेंटिटी ऑफ दिस नेशन वी शुड ऑल फील प्राउड एंड वी शुड नॉट गेट इनटू दिस रिलीजियस दिस थिंग्स एंड ऑल दैट्स व्हाई पीपल अडोर रामा इवन इन डिफिकल्टी यू से हे रामा रामा और एक दूसरे से मिलते हुए कहते हैं राम राम ये हमारा पद्धति है हमारा परंपरा है कारण क्या है जैसा मैंने कहा शुरू से ही पुराना जमाना से हमारा लोग राम जी का हमेशा आदर करते थे मित्रों ये मैं इन दिनों में कुछ समय मैंने सभी अधिकारियों के साथ बैठक किया सीनियर अधिकारियों के साथ राज्यसभा फंक्शनिंग के बारे में फंक्शनिंग क्या होता है मैंने अनुभव किया 20 साल में मगर पीछे क्या होता है मैंने जो तैयारी जो चलता है वो तैयारी के बारे में मैंने ब्रीफिंग भी दिया है और आई हैव अंडरस्टूड द अमाउंट ऑफ पेन एंड इंडस्ट्री यू पीपल पुट अप फॉर द बेटर फंक्शनिंग ऑफ द हाउस एंड आई होप दैट यू विल कंटिन्यू टू कंट्रीब्यूट योर फुल पोटेंशियल फॉर द प्रोडक्टिविटी एंड ग्रोथ ऑफ द इंस्टीट्यूशन लेट अस मेक एन असेसमेंट ऑफ द एरियाज where improvement can be made both in terms of functioning of the house and secretariat, identify the areas which will require focused attention. I am sure with the support and cooperation of all of you, we will find enduring solutions to all our concerns. It's a matter of great pride for all of us to be part of this great august institution and serving the supreme representative body of the world's largest democracy. Our parliament represents the hopes and aspirations of over 1 billion people. The legislations, policies, programs deliberated in the Chamber of Parliament, also in the committee, shape the destiny of our people and our country in the functioning of the Rajya Sabha. Needless to say, the Rajya Sabha Secretariat has been rendering an invaluable service since its inception. I have observed that the officers and staff of the Secretariat have always risen to the occasion and responded to the call of the duty with sincerity and commitment. It's my sincere hope that you will all maintain high level of efficiency, integrity, continue to set new benchmarks of excellence in your work and output. This evening, as friends, I was so much delighted in my heart because of the reception you people have given to me and also the splendid performance of Srimati Malini Awasthi. In fact, I always enjoy such evenings, but I rarely used to get any evening free because as in politics, it is 24/7 earlier. Now, of course, this constitutional responsibility has given me some liberty to have some also leisure evenings. It's a part of our culture and heritage that to hear music, dance, see dance, and that really soothes our mind
and aerates our spirit and helps us to perform better in a more productive way. It will relieve tension and it will focus more attention in the coming days also. I'm sure this enchanting cultural evening will rejuvenate us. Mitro, my jab se public life mein aaya, public life mein maine hamesha public life ko always took it as a mission. Joined public life as a mission, not for commission, never gave any remission or did not do any omission to my knowledge. To my knowledge, I don't know, of course, history will decide what is the responsibility of performed so far, and I hope with the cooperation of all of you, I'll be able to perform my duties to the best of our combined ability and rise to the occasion of presiding over this August house. Sabko dhanyavad, namaskar, jai hind.